अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। हम आज लाइव नहीं कर सके, लेकिन कुछ खास और अहम बातें थी जो कि आपसे शेयर करनी है। सूरत हाल यह है कि गुलाम हैदर ने कुछ नए सवाल उठाए, कुछ ऐसे सवाल उठाए जो कि इंतहाई संजीदा नोयत के हैं। वो सवाल ना सिर्फ भारतीय जो तहकीकाती इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, बल्कि मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाए, उन लोगों के ऊपर भी सवाल उठाए जो कि सीमा को हीरो बनाने के मुसलसल दरपे हैं, और उनकी कोशिश है कि सीमा को मजलूम जाहिर करें और सिर्फ अपनी टीआरपी या अपनी व्यूअरशिप हासिल करें। यहाँ इंसानियत का मसला है, यहाँ कानून और इंसाफ का मसला है, यहाँ पर सीमा के और ख़ासतौर पर गुलाम हैदर के चार बच्चों की जिंदगियों का मामला है। लेकिन मीडिया के लोग जो है आज तक भी उनके इस बात की अकल नहीं आ रही कि एक चैलेंज ठीक है, क्लाइंट है सीमा का, मौकिफ है, और एपी सिंह उनके वकील है, अगर नाम निहाद वकील है वो वकील, और एक सीमा का मौकिफ तो हो सकता है जो उनका कहना है, जो आज तक जिस बात का चर्चा है। लेकिन मीडिया और वो तमाम आज़ाद और वो तमाम लोग जिनकी फॉलोइंग है और जो समझते हैं आईन और कानून क्या चीज़ है, इंसाफ क्या चीज़ है, और ख़ास तौर पर जिनका काम है कि वो हमेशा मजलूम का साथ दे, वो मजलूम के बजाय वो जिसके खिलाफ भारत में FIR दर्ज हुई है, जिसके खिलाफ मुबैना तौर पर नाम निहाद एक इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जिसका साल पूरा होने के बावजूद कोई सुराग या उसका जो है अंत नहीं हो सका, अंजाम नहीं हो सका, उसको जो है वो मीडिया के लोग हीरो बनाते हैं। हालांकि मीडिया चूँकि एक मुल्क का फोर्थ पिलर जिसको कहा जाता है, चौथा सतून कहा जाता है, लेकिन वो चौथा सतून क्या किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करेगा? कभी आपने सोचा कि चौथा पिलर जो कि जैसे गवर्नमेंट और दीगर उनके जो फंक्शनरीज इदारे हैं, वो अगर एक बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं अपने जो भी उनके अमूर है या काम है, तो फिर मीडिया जो फोर्थ पिलर है, क्या वो भी क्रिमिनल को सपोर्ट करके अपने जो उसकी जाती जिम्मेदारी है, जो एक एक नेशनलिज्म के ऊपर या एक नेशनल काज के तहत तो उनकी जो जिम्मेदारी है, क्या वो उस जिम्मेदारी से हट जाएगा? हरगिज़ ये मीडिया का काम नहीं है। दूसरा, सीमा के ऊपर बार बार उसको मजलूम जाहिर करके मीडिया के लोग सोशल मीडिया के माइक पकड़ के पहुंच जाते हैं, और उसके बाद ओ हो ये जुल्म हो गया सीमा के ऊपर, इस तरह जुल्म हुआ था, ओ हो प्यार मोहब्बत, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, कहीं तो कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ तो पढ़ाया जाता होगा, कुछ तो अखलाकियात होती होंगी। अगर अपने आप को फोर्थ पिलर भी आप लोग नहीं कहते कि भारत का हम फोर्थ पिलर हैं, तो फिर कुछ तो एथिक्स होंगी ना कहीं पढ़ाया तो होगा किसी ने कि जुल्म क्या है, जालिम क्या है, मजलूम कौन है, नाइंसाफ़ी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है, किस तनाजुर में क्या चीज़ की जाती है, वो कभी आप लोगों ने किसी ने पढ़ा भी नहीं है। हम तो पाकिस्तानी आप सबकी हमेशा कदर करते हैं कि जी पढ़े लिखे हैं, समझदार, सुलझे हुए, और दुनिया के अजीम तरीन ममालिक में से एक बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं कई महाजों के ऊपर, तो फिर इस तरह की चाल क्यों चलते हैं, क्या वजह है? गुलाम हैदर ने जो संजीदा सवाल उठाए हैं, वो आप ना सिर्फ उनके संजीदा सवाल सुनिएगा, बल्कि सीमा कहती है जी 4 साल पहले तलाक हो गई थी, मेरे वालिद साहब के होते हुए तलाक हो गई थी, और गुलाम हैदर 2019 में अगर पाकिस्तान से चले गए थे, तो फिर 2023 में शिनाख्ती कार्ड किस वजह से, किस आधार के ऊपर, किस इखलाकियात के ऊपर, किस तनाजुर में उसने बनवा लिया गुलाम हैदर के साथ? यानी कि पहले पहले जो उसका CNIC नंबर था, जिसके ऊपर पासपोर्ट भी बन सकता था, और सब के होते हैं, वो उसमें उनके वालिद का नाम लिखा हुआ है, रजा साहब जो भी थे, लेकिन उसके बाद 2023 में उनके इंतकाल के बाद, बाप के मर जाने के बाद, गुलाम हैदर के साथ उसने बनवाई कि मैं जी गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और ये बच्चे गुलाम हैदर के, किस आधार के तहत? कभी मीडिया वालों ने ये सवाल उठाया कि जी टेक्निकल चीज़ें, और उसके बाद फिर मुझे कहीं तक जा तक जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक बात तस्लीम की है कि वो जो एक अक्सर मोमिन मलिक साहब और जो गुलाम हैदर के इस मामले को सपोर्ट करते हैं, वो भी अक्सर कहते रहते हैं कि जी गुलाम हैदर ने तो तलाक दी नहीं है, और वो भी कह रहे हैं जी मैंने तलाक ही नहीं दी, तो फिर किस तनाजुर में आप कहते हैं जी सचिन की बीवी है? मतलब कुछ शर्म हया करें, कुछ लिहाज करें, कुछ तो कहीं किसी महाज पे, तो ऊपर वाले को आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान को मरने के बाद आपने मुंह नहीं दिखाना कि आपने क्या सच्चाई का साथ दिया था या एक मजलूम जालिम का साथ दिया था, कहीं तो आपका ये होगा ना, मानना होगा, आपका ईमान होगा जी फलां जगह हमने अपनी जिंदगी का और जो भी हमारी हमने जो कर्म किए हैं उसका हमें जवाब देना है, तो क्या जवाब देंगे कि हमने झूठ का साथ दिया था, मकारी फ्रॉड अयारी का साथ दिया था, या एक मजलूम जिसके साथ जुल्म किया गया था उसका साथ दिया था? यकीनन आप जालिम का साथ दे रहे हैं, और जो गलत और खासतौर पर वो उस चीज़ का जिस जो आपकी एक जिम्मेदारी, एक स्टेट के फोर्थ पिलर के होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर FIR है, आपके मुबैना तौर पर नाम निहाद जो आपके इन्वेस्टिगेशन के इदारे, नाम निहाद मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आपका मीडिया का जो एक स्टांस है
आज तक तहकीकात मुकम्मल ना होने के ऊपर भी सवालात उनके ऊपर उठते हैं कि उनका भी शायद वही स्टांस होगा जो आपका स्टांस है, कि उसको आपने सब कुछ गलत होने के बावजूद भी उसको सपोर्ट करें, साथ दे रहे, अगर साथ नहीं भी दे रहे तो कम से कम इतना खुली छूट एक बंदर को, एक जानवर को खुली छूट जैसे दे देते हैं, कभी इधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है, उसको इस औरत को, इल्लीगल आने वाली औरत को इस तरह छूट दी हुई है, तो यकीनी तौर पर आप पे सवाल उठेंगे और सवाल करना हमारा हक भी है, तो क्या उसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं? ये उसके सवालात हैं जिसका आपने जवाब देना है। आप गुलाम हैदर की मुकम्मल बात सुनिए और उसके बाद फिर अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, क्या वाकई गुलाम हैदर ने जो सवालात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं या गुलाम हैदर गलत हैं। बाकी जितने लोग सपोर्ट करते हैं, हमेशा गुलाम हैदर ने आप सबको दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा किया है, और हम सब गुलाम हैदर की साइड और उनका साथ देने के नाते आप सबके, तमाम भारतीयों के, और खासतौर पर कल भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ और हमेशा कहूँगा, अगर उम्मीद की आखिरी किरण है, अगर कहीं भी किसी जगह भी इंसाफ गुलाम हैदर को ना मिला पुलिस कैंट से, कोर्ट से, अदालतों से, तो वो है योगी जी और मोदी जी। यकीनन वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, देखेंगे कि कहाँ नाइंसाफ़ी हुई है, किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका हक दिलवाना उनकी जिम्मेदारी है, और गुलाम हैदर को और इसी तरह मजलूम का साथ देने वाले सारे लोगों को, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, उनकी उम्मीद की आखिरी किरण जो है वो योगी जी हैं और मोदी जी हैं, और वो ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे, और जिस तरह का ये कांड खेला जा रहा है नीचे उनके उनकी उनके छत्रछाया में, जो उनको शायद इल्म भी ना हो, उनको भी जरूर बाजपुरस करेंगे, ये हमारा यकीन है, हमारा मानना है। गुलाम हैदर की मुकम्मल बात सुनिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। जो जाते हैं पत्रकार कहो या उनको यूट्यूबर कहो, तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें जाके करते हैं कि वो सुनकर भी शर्म आता है। हाँ सीमा प्यार ये हो गया वो हो गया, अरे खुदा का खौफ करो, आपको भी अपनी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, एक क्रिमिनल को प्यार का नाम देकर वो मुल्क में बैठ के जो है इंडिया के लोगों को भला बुरा कहे, आप बैठ के तालियां बजाओ, कौन से लोग हैं ये असल चेहरा दिखाने के अलावा, और उनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, आपने, आप पाकिस्तान में कितने तकलीफ में थे, क्या मौत पड़ा हुआ था इसको पाकिस्तान के अंदर, क्या कुछ नहीं था इसके पास, आप बताओ तो सही। उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अच्छा खा नहीं पी रहा था क्या इसके पास, नहीं था इसके जो रील्स पड़े हुए थे उनके मोबाइल से आप चेक करो, पाकिस्तान में इनको मार पड़ती थी, कौन कहता है, एक घमंडी है, जितना भी इनको इज्जत दो, इज्जत रास नहीं आता, इसको चप्पल और जूते मारो, मुंह सो जाओ, तब इसको पता चलेगा कि हाँ वाकई पाकिस्तान के बारे में बैठ के, मुल्क के बारे में बैठ के, एक खुद जो है एक घिनौना हरकत करके लोगों को बढ़वा दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ये होता था, तू कौन होता है, तो कोई नुमाइंदा है, तू है कौन पहले से, ये सवाल एक क्रिमिनल से किया जाता है। अफसोस की बात है, इंडिया जो मीडिया पत्रकार उनको बैठा के हर एक घंटे के बाद लाइव लेते हैं, समझ से बाहर है, पहले किस तरीके से वो लीगल है आप बताओ तो सही, चलो चोर है नहीं है, सीआईडी है नहीं है, सही कहां पे है, उन लोगों से ये सवाल है, लिखे पढ़े तो जाहिल वालों ये हरकत कर रहे हैं, वो है सही कहां से, अपना मुल्क से चार बच्चों को इनलीगल लेके आता है बॉर्डर पे, कोई भी साइको भी ऐसा नहीं करता, चार बच्चों को ढाल बना के एक जिंसी हवस के साथ, इसका शोर चीख चीख के कह रहा है कि इसको तलाक नहीं हुआ, फिर भी उन लोगों को शर्म नहीं आता, जाके उनके मुंह पे मैक देते हैं, वो बड़बड़ाता रहता है, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है, हाँ वो है कहाँ से सही, मुझे पहले ये तो बता, उनसे सवाल है ये सही किस जगह पे सही, आप उनको समझते हो कि हाँ ठीक है ये सही है, ये पाकिस्तानी नहीं है, चार बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, या इलीगल पे घुसा नहीं, सज्जन ने जो ड्रामा किया टोपी किया, पहले तो सज्जन को भी गिरफ्तार किया जाए, कल कुछ भी हो सकता है इंडिया के अंदर, उसका जिम्मेवार सज्जन है, नेत्रपाल है, एपी सिंह है, कौन है, हमें चार बच्चे चाहिए, आप इनको रखो, हमें क्या इतराज है, चार बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, उनको कोई भी दुनिया का कानून कहता है कि वो अपना मुल्क भी छोड़े, धर्म इस्लाम भी छोड़े, और चार बच्चों का भी कहता है कि ये भी मेरे हैं, डाका डाल के गया, सीधा सीधा एफ आर एस पे है, एक क्रिमिनल है अनलीगल पाकिस्तान से गया, उसका शोर एक साल से चिल्ला रहा है, इस औरत को अभी भी अकल ठिकाने पे नहीं है, कल मैं भी ऐसे आऊं मुझे भी इतना इज्जत मिलेगा इंडिया के अंदर, जैसे मैं जैसे सीमा आया कल मैं भी आ जाऊं, मैं तो पहले लीगल कोशिश कर रहा हूं मैं आऊं, ना हुआ तो मोदी जी और योगी जी का तस्वीर लटका के मैं भी इंडिया में घुस रहा हूं, मीडिया के साथ फिर देखें इंडिया के लोग मेरे से क्या सलूक करते हैं,
मुझे हाँ मुझे क्रिमिनल कहेंगे, मुझे डकैत कहेंगे या मुझे कुछ आतंकवाद कहेंगे, ये मेरा उन मीडिया वालों से सवाल है। आज ये सीमा आया, कल मैं आ जाऊं, मेरे साथ क्या सलूक होगा इंडिया के अंदर? फिर देखते हैं ये पत्रकार, ये मीडिया जो इनका साइड लेता है, ये क्या कहते हैं। मैं बता कर आऊंगा, मैं मीडिया में बोल कर आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा, चोरी छुपी नहीं आऊंगा। फिर देखते हैं इंडिया के लोगों का रिएक्शन क्या होता है, जो उनको तो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं चैनलों में, 5 मिनट के बाद बैठाते हैं, हर 10 मिनट सीमा आ गया तो बड़ी बात नहीं, मैं भी आ सकता हूँ क्या? मुझे भी इतना इज्जत मिलेगा? मुझे भी मीडिया वाले सर पे सजा के बैठाएंगे क्या? कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, सब कहेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा है। तो आप बताओ, उन मीडिया वालों भाइयों से मेरा सवाल है, जो पत्रकार बन के उनके पास जाते हैं। आज सीमा है तो कल हैदर भी आएगा, याद रखना। अब पहले तो मैं लीगल कोशिश कर रहा हूँ, लीगल कोशिश कर रहा हूँ, ना दिया तो मैं मीडिया में लाइव चला कर इंडिया में आऊँगा। फिर देखते हैं जो ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं इंसाफ मांगने के लिए आ रहा हूँ, अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहा हूँ, सीधी बात है। पता तब चलेगा ना कौन कितना साथ दे रहा है, कितना जो है हमारे साथ हैं। एक चोर को बैठा के इतना जो है बातें करना, इसके साथ जुल्म होता था क्या? तुम लोग उनके साथ थे, इसके साथ जुल्म होता था? कोई आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड है, कोई मौजूद है क्या? है क्या? किस बुनियाद पे आप कह सकते हो कि इसके साथ जुल्म होता था, आप उनको इज्जत दे रहे हो? एक चोर इनलीगल गलत तरीके से आया, बाटरा का पामाल नहीं किया, पाकिस्तान के और इंडिया का कुछ इज्जत और लिहाज नहीं किया, 2 महीने तक वो ढका छुपा रहा, जब पुलिस ने गिरफ्तारी की तो अभी तो वो तोते की तरह बोलने लग रहे हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ऐसी बातें मुझे भी आते हैं। वो सिर्फ क्या कहते हैं, आखिरी बात उसका ये होता है कि मैं सनातन धर्म में आया हूँ, उनको ये जलन हो रहा है। कोई किसी को जलन नहीं हो रहा है आपको सनातन धर्म पे आने का। आप ना सनातनी हो सकते हो, ना आप इस्लामी हो सकते हो, आप वो गंदा एक गटर का कीड़ा हो, आप किसी का भी नहीं हो सकते, याद रखना। हमें कोई इतराज नहीं है, ये आखिरी बात सिर्फ मैं इसको जब भी देखता हूँ धर्म पे बात करता है, ये धर्म पे तो बात ही नहीं है। आपने अपनी अपनी इनकी चार्ट पढ़े हुए हैं वो भी गलत है, इनके वॉइस रिकॉर्ड हैं वो भी गलत हैं, इनकी वीडियो है वो भी गलत है, मगर सीमा जो बोल रहे हैं वाह भाई वाह वाह, तालियां बजाओ, ये तो ठीक कह रहे हैं। अफसोस है, शर्म आता है उन लोगों पे देखने पे सुनने पे, अब भी पता नहीं कौन सी बकवास बैठ के कर रहे हैं। इनकी बच्चियां भी ऐसा काम करें ना तब मजा आएगा, जो इनके साथ दे रहे हैं इनकी बेटियां, इनकी बच्चे। मैं बददुआ तो किसी को नहीं देता, तब मजा ऐसे आता कि इनके खुद ऐसे हो जाते, फिर इनसे पूछा जाता। हरामी दल्ले जो होते हैं ना, कोई सिर्फ धर्म को यूज करके धर्म को बीच में लाकर लोगों के दिलों में नफरत डालना, ये पत्रकारों का काम नहीं है कि किसी मुल्क के खिलाफ बात करना, किसी धर्म को नीचे दिखाना बहुत गलत बात है, ऐसा कभी भी ना करें, कभी भी ना करें। उनसे पूछा जाए ना कि आप ये सच कहाँ से है, क्या 2023 आखिरी तारीखों में इसने मेरे शनाख्ती कार्ड इसके अब्बा के नाम पे बना हुआ था तो मेरे नाम पे क्यों बना, सबसे पहली सवाल। उनके रिकॉर्ड देखो, बच्चों की देखो, किस किस तारीख तक हैं, हर चीज क्लियर बता रहे, कानून का भी धचिया उड़ा रहे और लोगों का भी मजाक उड़ा रहा है। पाकिस्तान ये था, पाकिस्तान वो था, ये सोच रहे कि मैं ऐसे बातें बैठ के करूंगा, लोग दूर, तो पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, मुझे जो है जो भी होगा मैं ही सही हूँ। आप सही कहाँ से हो मुझे पहले ये बताओ, आप सही होते आप 4 बच्चों को इनलीगल भारत ले जाते, आपको जाना था तो आप सही तरीके से भी जा सकते, आप जो है तलाक भी आप ले सकते थे सही तरीके से। आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको माफ़ किया जाए, कभी भी नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इंडिया का कानून और भारत के लोगों पे पूरा विश्वास है, जितना तुम्हें है तुमसे बढ़कर मुझे है, मैं तो सही हूँ आप गलत हो। एक साल होने वाला है बैठ के इसका, एक चोर का तमाशा देख रहे हैं, एक क्रिमिनल जो डकैत है, समझो इसको डकैत का मानो फिर भी कम अल्फाज आता है, शोर के साथ मुल्क के साथ अपने घर के साथ गद्दारी करके वो औरत आके उधर हमें पट्टियां पड़ा रहे, हम उनको बैठ के सुनते हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो जी। अफसोस है,
अल्लाह करे इनके बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ वाकई इंसानियत है। जो हमारे हक में बात करते हैं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी गलत हैं। इनकी आवाज़ भी गलत है, इनके रिकॉर्ड भी गलत है, इनके वीडियो गलत हैं, ये सब गलत हैं। ये जो कह रहे हैं वो सही है, इनका मुंह बोला भाई ये वो सही है। बाकी जो इंडिया के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाए, किसी को भला बुरा कहें, आतंकवाद कहें, पाकिस्तान के बारे में बैठ के इसका जो एडवोकेट फड़फड़ा रहा है वो ठीक है, अगर हम अल्फाज कहें वो तो गलत है। वो तो ये हुआ वो हुआ, अफसोस है इनकी सोच पे, इनके विचारों पे, इनकी ज़िंदगी पे। क्या बैठ के कुछ बातें करें, हमें तो समझ से बाहर है। जो जो एपी सिंह नाम का है वो कितना आग निकालता है, आग के छोले उसके मुंह से टपकते हैं। उनके बारे में इंडिया वालों ने कुछ भी नहीं कहा, ना भारत न्यूज़ ने कहा, ना दूसरों ने कहा, ना तीसरों ने कहा कि आप किसी के, आप मुल्क के खिलाफ तो नहीं जाओ। आप हैदर को कुछ भला बुरा कह सकते हो, आप मुल्क के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इसको किसने हक दिया बात करने का? किसी ने बोला? किसी ने भी नहीं बोला। हाँ भाई वैसा तो होता है, वैसा तो होता है। अफसोस है इनकी सोच विचारों पे। लिखे पढ़े लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी आपको बता रहा है, डॉक्टर पीएचडी भी मैंने किया, ये भी किया, वो भी किया, वो बैठ के मीडिया में हक भगाता रहता है, मुल्कों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, आतंकवाद है, ये है, वो है। खुदा का खौफ नहीं आता इसको। कुछ भी फड़फड़ाए वो ठीक है, अगर हम को चार अल्फाज बच्चों के लिए मांग करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो वो देखो मीडिया में चला देते हैं कि देखो इसकी बातें देखो। अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ सोचो, लिहाज करो। इनकी आवाज़ तो किसी ने नहीं देखा, ना कोई मीडिया सुनता है, ना कोई भी सुनता है। अगर हम चार बच्चों की मांग कर रहे हैं, अगर हम सही रास्ते करेंगे कि क्रिमिनल इनलीगल आया तो उसको पाकिस्तान भेजवाओ या इंडिया की जेल में डालो, तब तो पता नहीं क्या होता है, उनको चेहरा से रंग उड़ जाता है, बैठ के उठ पटांग।